हेलो फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और हो सकता है आपके एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स है तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये करंट अफेयर्स में है क्या। तो झारखंड करंट अफेयर्स 2023, तो यहाँ पर देखेंगे नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के बारे में, जो कि झारखंड के संदर्भ में होगा। तो यहीं से कुछ जानकारी है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के बारे में है। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हो चुकी है और सूची भी जारी हो गई है, जिसमें देश भर के कुल 50 शिक्षक चयनित हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसमें पूरे देश भर से टोटल 50 शिक्षक चयनित हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि 50 शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो हैं, वे लोग यहाँ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित हो गए हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सम्मानित करेंगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं उनको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इनको सम्मानित करेंगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोग नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उस लिंक में भी जा करके देख सकते हैं नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के बारे में। तो वहाँ पर लिंक में आ जा करके आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड के संदर्भ में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए झारखंड राज्य से 2 शिक्षकों को चुना गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि टोटल जो है 2 टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए झारखंड से चुना गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका आंसर करेंगे 2 शिक्षकों को चुना गया है। अब देखते हैं, झारखंड से इस वर्ष 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे जिसमें से 2 शिक्षकों को चुना गया है। तो झारखंड सरकार की ओर से इस बार 2 शिक्षक जो हैं 2 शिक्षक चुने गए हैं। तो ये जो 2 शिक्षक हैं उनको 3 शिक्षकों के नामों में से ही चुना गया है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे सरकार की ओर से झारखंड के, और इसमें से 2 शिक्षकों को ही चुना गया है। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है चुने गए शिक्षक कौन कौन है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। तो ये हैं जो चुने गए शिक्षक हैं वो हैं मोहम्मद एजाजुल हक, जो कि मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा। तो इस स्कूल के जो है ये टीचर है मोहम्मद एजाजुल हक, मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा, चतरा जिला के ये जो मध्य विद्यालय है दीवान खाना वहीं के हैं ये शिक्षक मोहम्मद एजाजुल हक। दूसरे जो हैं मनोरंजन पाठक हैं जो कि सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा के हैं, यहाँ के शिक्षक हैं मनोरंजन पाठक, ये भी आप लोग दोनों नाम को याद रखेंगे, सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा यहीं से मनोरंजन पाठक को चुना गया है। तो ये दोनों जो हैं शिक्षक ये लोग हैं चुने गए शिक्षकों के नाम, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। अब देखते हैं यहाँ पर भेजे गए नाम कौन कौन से हैं। तो भेजे गए नाम जिनके जिनके नाम भेजे गए थे वो हैं कौन, तो मोहम्मद एजाजुल हक चतरा झारखंड से इनका नाम भेजा गया था मोहम्मद एजाजुल हक का। साथ ही यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे है डॉक्टर अंजू कुमारी जो कि पूरी सिंहभूम जिले की जो शिक्षिका हैं ये झारखंड से ही पूरी सिंहभूम जिले के हैं। और तीसरा नंबर जो है वो मनोज चौबे जो कि चतरा झारखंड से हैं। तो ये जो है तीनों इनके नाम भेजे गए थे, आप लोग नामों को याद कर लेंगे। यहाँ देखिए मोहम्मद एजाजुल हक, डॉक्टर अंजू कुमारी और मनोज चौबे। तो देखिए ये जो है मनोज चौबे ये तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मनोरंजन पाठक का चयन सैनिक स्कूल कोटे से हुआ है। तो ये आप लोग याद रखेंगे जो ये जो है मनोरंजन पाठक का जो चयन हुआ हुआ सैनिक स्कूल कोटे से हुआ है। इनका नाम भेजा गया था लेकिन इनका चुना नहीं गया था, यहाँ से मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक को ही चुना गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको तो स्कूली तरफ से ही मिला है और साथ साथ जो मनोरंजन पाठक है उनका जो चयन हुआ हुआ सैनिक स्कूल के कोटे से हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि झारखंड से जो है 3 शिक्षकों के नामों भेजा गया था, जिसमें 2 शिक्षकों का नाम चुना गया जिनके नाम यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। तो ये है और ये जो है नेशनल टीचर अवार्ड 2023 झारखंड के ओर से शिक्षक जिनको सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर को, ये आप लोग याद रखेंगे।